हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश्वर महाराज आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं जो हर एक विद्याओं में सबसे आगे हैं, जिनका नाम है माँ बंगलामुखी। दोस्तों, बंगलामुखी का आप जितनी भी स्तुति कर लें वो कम है। ये मेरी अपनी वाणी बोल रही है, हम किसी और से इस विषय में बात नहीं करते। जो हम एहसास करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, उसके अंदर हमें अनुभूति प्राप्त हो जाती है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, आपको माँ बंगलामुखी का जब तप करने नहीं आता है कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप स्वयं उनकी पूजा करें, विधि पूर्वक पूजा करें आप, और वो पूजा करने के समय में आप हमेशा ध्यान में रखें बंगलामुखी माता का, और आपका कार्य पूरा होगा। ये मैं 100% का गारंटी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं माँ बंगलामुखी का वन लाइन स्टोरी सुना रहा हूँ, जिसे आप सुने और खुद समझे कि माता रानी कैसे प्रकट हुई, किस तरीके से प्रकट हुई और क्या करने के लिए प्रकट हुई। बंगलामुखी अष्टम शक्ति की अधिष्ठात्री है, अर्थात यह अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनके बुरी शक्तियों का नाश करती है। माँ बंगलामुखी का एक नाम पीताम्बरी भी है। इन्हें पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इनके पूजा में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे ज्यादा होती है। देवी बंगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला है, अतः साधक को माता की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए। देवी बंगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। यह अष्टम की देवी है, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। माता शत्रु नाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रु का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाती है। बंगला शब्द संस्कृत भाषा में बलगा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है दुल्हन है। अतः माँ के अलौकिक सौंदर्य और अष्टम शक्ति के कारण ही इन्हें यह नाम प्राप्त है। देवी रतन जड़ी सिंहासन पर विराजती हैं। रतनमय रथ पर अरुण हो शत्रुओं का नाश करती हैं। देवी के भक्तों को तीनों लोकों में कोई भी हरा नहीं पाता, वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। पीले फूल और नारियल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती है। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीप दान करें, देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी सी बड़ी बाधा भी नष्ट हो जाती है। बंगलामुखी देवी के मंत्रों से दुखों का नाश होता है। अष्टम्ब तंत्र के अनुसार भगवती बंगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया। प्राणियों के जीव पर संकट को देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र के देश में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। श्री विद्या ने उस सरोवर से बंगलामुखी रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया तथा विध्वंसकारी तूफान का तुरंत अस्तम कर दिया। बंगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी है। मंगल युग चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इसका प्रादुर्भाव होता है। श्री बंगलामुखी को ब्रह्म अस्त्र के नाम से भी जाना जाता। तो दोस्तों, बंगलामुखी माता का जिस प्रकार से मैंने वर्णन किया उसे अपने ध्यान में रखें और उस तरीके से इनका पूजा पाठ करें, विधिवत पूजा पाठ करें, तो इसका फल आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। जय माता दी।